तो एक बड़ा सवाल अब यह है कि सड़क पर किसान कब और कैसे निकले समाधान। 30 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरीके से किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह की तैयारी हो रही है, चाय बन रही है और किसानों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हर रोज यहां पर लंगर लगता है, किसानों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। तीन तस्वीरें जो तीन मेन बॉर्डर किसानों ने रोक रखे हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह की तैयारी हो रही है, यहां पर लगातार किसान आंदोलन जोर पकड़ता रहा है। पिछले 27 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, आज 28वां दिन है। किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करती है, वो बॉर्डर से पीछे नहीं हटेंगे। तो सुबह का वक्त है, सिंह बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे थे, अभी आप यूपी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। हवन यज्ञ यहां पर चल रहा है, सरकार को मनाने की, सरकार की जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश यहां पर हो रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो काले कानून है उनके हिसाब से जब तक ये रद्द नहीं किए जाते तब तक वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे, वो डटे रहेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि 6 महीने 1 साल जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो यहां पर ऐसे ही डटे रहेंगे। हवन यज्ञ का भी पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज का दिन किसानों के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज किसान दिवस है। राकेश टिकैत भी इस पूजा में मौजूद है, किसान नेता है, किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज किसान दिवस के मौके पर किसानों की विशेष तैयारियां हैं। पूजा अर्चना चल रही है, हवन यज्ञ किया जा रहा है, साथ ही साथ सरकार से अपनी मांगे मनवाने की भी पुरजोर कोशिशें लगातार जारी है। आगे ले लो।